नाजरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इस वक्त हम मौजूद हैं तावड़ू रोड हाईवे रोड पर। यहाँ एक आज बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें एक सेंट्रो और बुलेट मोटरसाइकिल है। एक्सीडेंट होने के बाद हम वहाँ पहुँचे, हमने बातचीत की लोगों से तो बताया गया कि जो सेंट्रो वाले हैं वो म्यूली से हैं और जो बुलेट वाले हैं वो उटावड़ से हैं। तो जो बुलेट वाले हैं वो बहुत ज़्यादा सीरियस और घायल हैं, उनको लल्लड़ मेडिकल रेफ़र कर दिया गया, उनकी जान बहुत ख़तरे में है। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, जितनी भयानक ये एक्सीडेंट हुआ है इससे पता चलता है कि शायद वो मुश्किल ही बच सकेंगे। यहाँ के जो बाशिंदा हैं रोड पर जो रहते हैं, उनका ये कहना है कि उन्होंने अब से पहले एक एप्लीकेशन 2-3 दिन पहले दी है मारे मंजिल के नाम से, क्योंकि यहाँ आना जाना होता है बच्चों का, वो रोड पार करते हैं, कहीं हादसा ना हो जाए। तो उन्होंने एक्शन साहब से दरख्वास्त भी की है कि यहाँ एक जंप लगाया जाए ताकि लोग सुरक्षित रह सकें। हमने लॉकडाउन से पहले 2 दिन पहले PWD विभाग में कार्यकारी अभियंता नूह से कहा तावड़ू रोड पर एक्सीडेंट होते हैं। हमने लिखित में कार्यालय में एक पत्र सौंपा और अभी तक कार्यकारी अभियंता PWD नूह ने यहाँ रोड पाकर निरीक्षण तक नहीं किया। महीने में 3 बार 2 बार 4 बार एक्सीडेंट होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सीडेंट तावड़ू रोड पर होते हैं। हमने फिर हमारी अपील है कार्यकारी अभियंता नूह से कि यहाँ एक जंप लगाया जाए। वहाँ एक मारिया मंजिल स्कूल है, प्लस टू तक का स्कूल है, वहाँ बच्चे आते जाते हैं स्कूल के अंदर, वो रोड पार करके जाते हैं, आमतौर एक्सीडेंट होते हैं। तो मेरी अपील है कार्यकारी अभियंता PWD से नूह से कि यहाँ एक ज़रूर जंप लगाया जाए ताकि जान, लोगों की जान बच सके। धन्यवाद।